हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है अजय अंजलि डेली ब्लॉग में। तो आज मैं आपको कुछ अलग सा चीज़ दिखाने जा रही हूँ। मेरे घर पे मेरी मम्मी है, तो वो आज घी बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ कि दादी नानी कैसे घी बनाती थी पहले। अब तो हम लोग अलग अलग तरीके से घी बनाते हैं, मशीन से और हाथ से भी फेंट के बनाते हैं, बट मेरी मम्मी जैसे बनाती हैं तो वो पारंपरिक ढंग से ही बनाती हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा घी निकल जाता है। बहुत कम टाइम में 1 किलो घी वो तैयार कर लेती हैं, तो वो वही बनाने जा रही हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे घी बनाती हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो उनका तरीका तो प्लीज लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर चलते हैं, देखते हैं कैसे वो बनाती हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़े बर्तन में आप इसको रख लीजिए, मतलब जो भी मलाई है, मलाई के अकॉर्डिंग ही बर्तन आप लेंगे। तो मलाई हमारी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए इतना बड़ा बर्तन हमको लेना पड़ा। तो उसके बर्तन के अंदर आप मलाई रख लीजिए। फिर उसके बाद लकड़ी की मथनी जो होती है, मथनी या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं जिससे आप आसानी से इसे फेंट सकें, ज़रूरी नहीं है कि आप मथनी ही लें। तो यहाँ पे हमारे पास मथनी थी, तो मथनी से हमारी मम्मी कर रही हैं, ये हमारी मम्मी घी निकाल रही हैं, तो इसको फेंट रही हैं। काफ़ी अच्छे से फेंटना ज़रूरी होता है इसमें। और ये देखिए धीरे धीरे ये घी बनना स्टार्ट हो रहा है। अब घी नहीं, सॉरी, घी नहीं, मक्खन, मक्खन बनना स्टार्ट हो रहा है। जब मक्खन बन जाएगा उसके बाद घी बनता है। तो ये देखिए इसको लगातार इसी प्रोसेस से चलाना है, और ये आप देख लीजिए कि चलाते चलाते हमारा ये जो मक्खन था वो अलग हो गया है, देख सकते हैं। ये देखिए अब इसी मक्खन को हमें कन्वर्ट करना है कढ़ाई में। ये देखिए ये मक्खन और इसका जो पानी है वो अलग हो जाता है, तब आप समझ जाइए कि हमारा मक्खन तैयार हो गया है घी बनने के लिए। इसको हाथ से अच्छे से निचोड़ निचोड़ के निकालना है मलाई अलग करके, और जो भी पानी आप इसमें देख रहे हैं उसका कुछ नहीं होगा, उसका भी घी बन जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये देखिए काफ़ी अच्छा मलाई हो गया है, इसी को मक्खन बोलते हैं। अब इस मक्खन को हमें गैस पे स्लो फ्लेम में रखना है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है, चलाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो जल जाएगा। और फिर जितना घी आपको मिलना चाहिए जिस क्वांटिटी में, वो क्वांटिटी आपको नहीं मिलेगी घी की। तो इसको अच्छे से आपको चलाते रहना है बीच बीच में। अभी तो ये उबल रहा है, इसको भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, बट बीच बीच में आपको चलाना पड़ेगा इसको। और ये देखिए हमारा घी बनना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं कढ़ाई के किनारे किनारे घी हमारा जमने लगा है, बनने लगा है। और बीच में जो ये वाइट वाइट आप देख रहे हैं ना, जब ये वाइट वाला हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि हमारा घी तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरीके से आपको बार बार चलाना पड़ेगा इसको। ये देखिए हमारा घी लगभग बन गया है, और अब बस ये हम गैस बंद करने वाले हैं। देख रहे हैं कितना अच्छे से घी निकला हुआ है, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में निकला हुआ है। ये देखिए, और यहाँ पे जो हमने घी छान के अलग कर दिया है, और जो भी इसका चूरा बचता है घी का, जो उबल रहा था मैंने जो आपको दिखाया, वो ब्राउन जो हो जाता है, इस चूरे को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा इतना घी निकला हुआ है, लगभग 1 किलो ये घी है हमारा। हम इसे स्टील के डब्बे में स्टोर करके रखते हैं, तो अभी ये गर्म है इसलिए मैंने इसका ढक्कन नहीं लगाया है। और इधर देखिए अभी गर्म है ये, और जो चूड़ा हमारा बचा हुआ था उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको भी यूज करेंगे। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये मैंने गुड़ डाल दिया है इस कढ़ाई में, और गुड़ को भी हमें लगातार चलाना है। ये गुड़ इसके साथ मेल्ट हो जाएगा, फिर इस गुड़ को आप किसी भी चीज़ से, रोटी पे, पराठा से, किसी भी चीज़ से आप खाएँगे तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। तो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब इसको हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा घी भी बन गया, और जो चूड़ा था उसका हमने ये बना लिया, ये काफ़ी। तो देखा ना दोस्तों आप लोगों ने कि मेरी मम्मी ने किस तरीके से घी बनाया। अगर आपको थोड़ा भी उनका तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी घी के बाद जो उसका चूड़ा बचता है उसका भी उन्होंने उपयोग किया, ये नहीं कि उसको फेंक दें, उसको भी गुड़ डाल के उन्होंने अच्छा सा पेस्ट बना दिया। वो पेस्ट पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ खाइए, विश्वास करिए फ्रेंड, कितना अच्छा लगता है कि क्या बताऊं मैं। तो इस तरीके से आप लोग ट्राई करिएगा एक बार, और फिर कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, और अगर हाँ अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अब दीजिए अंजलि सिंह को विदा, अगले ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।